हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार, योर प्राइवेट एजुकेटर। बच्चों, जेई मेंस 2025 का जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन है कि सर टोटल कितने मार्क्स का पेपर होने वाला है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो गांव से होते हैं, छोटे शहरों से होते हैं, कोचिंग वगैरह नहीं लेते हैं, वो सेल्फ स्टडी करते हैं, बट उन्होंने कभी भी पेपर नहीं दिया होता है। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने टेस्ट सीरीज कभी ज्वाइन नहीं की होती है, तो ऐसे बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि सर टोटल मार्क्स कितने का होगा। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं जेई मेन पेपर की। तो बच्चों, यदि आप जेई मेन 2025 का पेपर दे रहे हो तो समझ लो अच्छे से बेटा। तो जेई मेन 2025 में समझिए, जो आपका पेपर है वो टोटल देखिए कितने मार्क्स का होता है, समझते हैं ध्यान से। देखो टोटल मार्क्स आपके होते हैं 300। कितने मार्क्स होते हैं? टोटल मार्क्स आपके होते हैं 300। कैसे होते हैं 300 वो समझते हैं, किस तरीके से 300 मार्क्स का पेपर होता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं फिजिक्स की, अगर हम बेटा बात करते हैं फिजिक्स की, या फिर हम लोग बेटा बात करें केमिस्ट्री की, या फिर बात करें मैथ की, तो पहले फिजिक्स समझ लेते हैं, सेम उसी तरीके से मैथ समझ लेंगे और अपना केमिस्ट्री समझ लेंगे। तो फिजिक्स में आप समझिए कि जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो आने वाले हैं 30 क्वेश्चंस। कितने आने वाले हैं टोटल क्वेश्चन बेटा? 30 क्वेश्चंस। अब इन 30 क्वेश्चंस में देखिए किस तरीके से रहता है। जो ये बेटा 30 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें से जो 20 क्वेश्चंस होते हैं, जो 20 क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, मीन्स MCQ, मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके क्या है कंसीडर होते हैं। बट जो रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस होते हैं, जो बचे हुए 10 क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप। अब इसमें से केवल आपको 10 में से सिर्फ और सिर्फ आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और बाकी 5 को आपको क्या छोड़ना है। तो टोटल क्वेश्चन आपको कितने करने होंगे? 30 में से सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चंस आपको क्या है करने हैं, और इसके अलावा कोई भी अदर क्वेश्चन आपको क्या है नहीं करना है। अगर आपसे हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 मार्क्स का होता है, तो आपने क्वेश्चन कितने करने हैं आपको? 25 क्वेश्चंस करने हैं। तो 25 क्वेश्चंस कितने हो गए? 25 × 4 मतलब बेटा 100 मार्क्स का आपका ये पेपर हो गया। तो जिस तरीके से बेटा आपका फिजिक्स का पेपर क्या 100 मार्क्स का हो गया है, सेम उसी पैटर्न पर जो केमिस्ट्री है जो आपका मैथ्स है ये भी आपकी क्या सेम इसी पैटर्न पर क्या है 30 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चंस करने होंगे और ये आपका क्या है 100 मार्क्स का हो जाएगा। सेम मैथ्स में भी होता है, 30 में से 25 क्वेश्चंस करने होंगे आपको और 100 मार्क्स इसके भी हो जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा 30 में से 25 करने, लेकिन इस पैटर्न पर होते हैं, 30 में 20 MCQ कंपलसरी होते हैं और बचे हुए 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप होते हैं, उनमें सिर्फ आपको 5 करना होता है। इसी तरीके की चॉइस मैथ्स में, इस तरीके की चॉइस आपकी केमिस्ट्री में। तो इस तरीके से बेटा 100 मार्क्स का फिजिक्स, 100 मार्क्स का केमिस्ट्री और 100 मार्क्स का मैथ्स, तो टोटल जो आपका पेपर हो जाता है वो हो जाता है 300 मार्क्स का। तो जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप समझ गए होंगे किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है, कुछ आपको पूछना है, कोई आपका डाउट है जो रह गया है, तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज का ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए और भी ऐसे वीडियो लाएंगे। और बच्चों, जेई मेन 2025 के लिए हम लोग बेटा आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, उसकी एक सीरीज लेके आने वाले हैं, जिसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स के सारे क्वेश्चन क्या कवर किए जाएंगे। और जो बच्चे ऑफलाइन में
कानपुर में आईआईटी कोचिंग करना चाहते हैं वो लोग आरएस इंस्टीट्यूट कानपुर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आईआईटी की तैयारी काफ़ी अच्छे से करवाई जाती है। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।